बता देते हैं, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार की खबर दिखाने पर पत्रकार को धमकी दी गई है। प्रधान ने फर्जी तरीके से पत्रकार के खिलाफ दी है तहरीर। बड़ी खबर प्रयागराज से बता रहे हैं आपको। पीड़ित पत्रकार ने लगाए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। पत्रकार को प्रधान ने ब्लॉक में बुलाकर दोबारा धमकी दी। पत्रकार ने अपर पुलिस महानिदेशक से भी शिकायत करी। विकासखंड जसरा के मनकपार गांव का पूरा मामला। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का मामला और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जगदीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश, सरकारी योजनाओं पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है और जब इसकी शिकायत करी जाती है तो पत्रकार को ही धमकी दे दी जाती है। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये प्रयागराज के विकासखंड जसरा मनकपार ग्राम सभा का पूरा मामला है, जहाँ पे सरकारी योजनाओं में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मिली वगैरह से बड़ा यहाँ पे घोटाला हुआ है। जब पत्रकार नील को दिखाता है तो उसको प्रधान द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है। उसके बाद पीड़ित पत्रकार महानिदेशक शिकायत करता है, उसके बाद भी इसको दोबारा बुला के ब्लॉक में प्रधान द्वारा धमकी दी जाती है। जगदीश, ये बताइए कि धमकी में क्या कुछ आपसे कहा गया है और किसने आपको धमकी दी है? बिल्कुल बता जाऊंगा कि ग्राम प्रधान मनकवार लचकौर द्वारा फोन पर धमकी दी गई कि फर्जी तरीके से दर्शाया गया कि हमारा दो साल पहले का जो विज्ञापन का पैसा उसको वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ वो घटना होगी कि उसकी जिम्मेदार तुम होगे। और पत्रकार को मतलब कि कई बार धमकियां दी गई, दो दिन के अंदर कई बार धमकियां दी गई, जबकि समाचार दिखाने के बाद जो भ्रष्टाचार का यहाँ पर खेल खेला गया है, सेक्रेटरी और प्रधान के खिलाफ जो गाँव वाले आवाज उठाए थे वही खबर दिखाने पे ग्राम प्रधान ने पत्रकार को धमकी दी। जगदीश, ब्लॉक में भी बुला करके आपको धमकाया गया है? जी बिल्कुल, बता जाऊंगा कि ग्राम प्रधान कल 3 बजे हमें ब्लॉक में बुलाए। बुलाने के बाद वहाँ सेक्रेटरी अमरेश सिंह बैठे थे और कुछ लोग वहाँ बैठे थे। बुलाने के बाद मैंने उनको बुला किया बाहर आ जाए कमरे के, तो वो बोला कि अंदर आ जाइए। और जब मैं अंदर गया तो वहाँ पर प्रधान हमें बिल्कुल धमकी देने लगे, तुम्हें जो भी करना कर लो। और जो हमारे कैमरा मैन थे आनंद जी, उनको भी धमकी दी गई। जगदीश, आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश करी इसको लेकर के? जी बिल्कुल, हम इसकी शिकायत जो अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज से मेरे वहाँ पे लिखित शिकायत कर दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी जांच करेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जगदीश? जी बिल्कुल, मैं बता जाऊंगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और प्रधान ने वहाँ चौकी इंचार्ज गोहनिया को बुलाकर हमारे खिलाफ और आनंद खिलाफ फर्जी तरीके से वहाँ लिखित शिकायत की गई है। जी जगदीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो भ्रष्टाचार की खबर दिखाने के बाद पत्रकार को धमकी दी जाती है, ब्लॉक में बुला करके उसको धमकाया जाता है। जब अधिकारियों से बात करी जाती है तो अधिकारियों का कहना था कि जांच के बाद कार्रवाई करी जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जांच कब की जाएगी, क्योंकि लगातार प्रधान की तरफ से पत्रकार को धमकी दी जा रही है।